तो दोस्तों हमारे भाई आए हैं आज स्पेशली पटना से, पटना बिहार से भाई आए हैं और पटना में ही अगला आउटलेट ओपन होगा। बरेली की ओपनिंग है 21 अप्रैल की और उसके बाद में अगले महीने मई में होगा पटना में आउटलेट ओपन। तो पटना वालों तैयार रहो। और भैया इतनी दूर से आए, मैंने भैया पहले लंच करो आराम से तसल्ली से और ठोकम ठाक रबड़ी खिला दूं भाइयों का, एक आध किलो वजन तो यहीं बढ़वा दूंगा। देख लो दुबला पतला शरीर है, कोई नहीं इनका मोटा तगड़ा शरीर करके रहूंगा। कोई भी जो इस इंडिया में दुबला पतला है भाई, मैंने कसम खा रखी है आप सबको मोटा तगड़ा करने की और मैं करके रहूंगा। तो भाई पहले लंच वगैरह कर लें उसके बाद फिर बात करते हैं। रबड़ी मंगवा दी, रबड़ी खिलाऊंगा भाइयों को, उसके बाद फिर बात करेंगे। क्या नाम है भैया आपका, तो बताइए। अजीत जी। भैया आपका? हरे राम कुमार जी। हरे राम और अजीत भाई। अच्छा मुझे बताओ, मैंने अभी कोई सप्लीमेंट की बात करी? नहीं नहीं करी। मैंने पूछा, आते ही पूछा मैं, भैया लंच हुआ नहीं हुआ? लंच टाइम चल रहा है, हमारी जो है किचन तैयार है। भैया ने कहा भी लंच नहीं हुआ, मैंने पहले लंच करो फिर बात करेंगे। तो दोस्तों आप भी जुड़े सप्लीमेंट्स विला के साथ में, क्योंकि इंडिया का विश्वास बन चुका है ओरिजिनल सप्लीमेंट्स के लिए, सेहत बनाने के लिए सिर्फ सप्लीमेंट्स विला। A few minutes later. तो दोस्तों भाइयों का अब लंच हो गया है और अब पलवल वाली रबड़ी एंजॉय कर रहे हैं। तो भैया से पूछो, भैया कैसी लगी है जी? अच्छी लगी भैया। कैसी है? ठीक है सर। अच्छी है। तो दोस्तों आप भी जुड़ो सप्लीमेंट्स विला के साथ में, क्योंकि कहने के लिए परिवार नहीं, दिल से मानता हूं। और 21 अप्रैल को बार बार बोल रहा हूं, भूल मत जाना, 21 अप्रैल को बरेली उत्तर प्रदेश आउटलेट ओपनिंग में सबको आना है, सबका वेलकम करूंगा, खाने पीने का पूरा इंतजाम। ऐसा लगेगा आपको कैसे घर के फंक्शन में जा रहे हैं, हर आउटलेट की ओपनिंग में पूरा इंतजाम करता हूं। तो आपको आना है भाई, और बरेली वालों आपका बहाना नहीं चलेगा यार, प्लीज 21 अप्रैल रविवार को, और रविवार की ओपनिंग इसलिए रखी है ताकि कोई दिक्कत ना हो। भैया खा लें और खिलाऊंगा अभी तो ठोकम ठाक, और उसके बाद में फिर जो है चलते हैं सप्लीमेंट्स वाला, फिर अब बात करेंगे इनसे क्या सप्लीमेंट लेना है क्या नहीं। तो आप भी जोड़ो सप्लीमेंट्स विला के साथ में, दुबले पतले हो जाओगे मोटे तगड़े, बस चूरन चटनी मत खाना। तुमने तो नहीं खाया जी चूरन चटनी? आज तक कुछ नहीं, नहीं खाई। ये सबसे बड़ी शाबाशी का काम किया है, आप भी मत खाना चूरन चटनी, खा रहे हो तो अभी फेंक दो उसको। तो दोस्तों यहाँ पर अब भाइयों का हो गया है लंच वगैरह सारी चीजें, और आ गए हम सप्लीमेंट्स वाला शॉप। अभी हम किचन में थे तो अब शॉप पे आ गए अपना, और यहाँ पर मुझे अभी पता लगा, मुझे अजीत ने बताया कि मैं तो सोचा था कि भाई साहब जो है इनके बड़े भाई हैं, पर अब पता लगा है कौन है जी आपके? ये फूफा है जी। फूफा जी है, वाह, मतलब फूफा लेके आए हैं अपने भतीजे को सप्लीमेंट्स वाला, वाह यार कितनी बड़ी बात है ये। तो पेरेंट्स का विश्वास बन चुका है सप्लीमेंट्स वाला, और फूफा जी बता भी गए थे कि मैंने इनको बोला कि भैया जो है मैं भी चल के देखूंगा, ऐसा ही था कुछ जी? जी जी सही बात है। क्या नाम है आपका? हरे राम कुमार जी। हरे राम कुमार है, और फूफा जी कह भी रहे हैं कि भैया जब इनको रिजल्ट आएगा फिर औरों को भी सजेस्ट करोगे आप? जी जी जी, सबको सजेस्ट करेंगे ये। तो दोस्तों रिजल्ट तो आएगा, अब जरा सुन लो। भैया कितना वजन है आपका? 36। 36 किलो वजन है यार, मतलब हल्दी कर रखी है, लड़कियां भी शर्मा जाए इनके वजन को देखकर। और फूफा जी भी कह रहे थे, फूफा जी कितने साल का दिखता है बताना जरा? 12 साल। 12 साल का। फूफा जी भी कह रहे थे भैया 12 साल का दिखा है ये, और उम्र कितनी है एक्चुअल? 19 है। 19 साल की उम्र है यार। तो भैया कह रहे हैं भैया आप ही उम्मीद हो, तो दोस्तों मैं इनकी उम्मीद पर खरा उतरूंगा, और मैंने भी कसम उठा रखी है कि किसी को भी दुबला पतला नहीं रहने दूंगा। बस हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट ये है आपसे कि आपको चूरन चटनी नहीं खानी। अजीत तुमने तो नहीं खाई? नहीं आज तक कुछ नहीं खाई, आज तक कुछ नहीं खाई है। और अजीत मतलब जो है आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होते, तो नाम आपका मैंने वैसे तो बता दिया है, पर फिर भी थोड़ा जो नए बच्चे देख रहे हैं इस वीडियो को, नाम आपका? अजीत कुमार जी। कहाँ से रहने वाले हैं? पटना के रहने वाले हैं, बिहार। पटना के रहने वाले हैं, और भाई जब पटना आउटलेट ओपन होगा आओगे? हाँ सर आएंगे, वादा है। हाँ पक्का आएंगे हम जी। तो भैया पटना आउटलेट होगा तो तब आएंगे, और तब तक इनका वजन 36 से 46 हो चुका होगा, ये मेरा वादा है। तो आप भी अगर दुबले पतले हैं, खाया पिया नहीं लगता है आपको, और आप बढ़ाना चाहते हैं अपना वजन, शरीर को हरा भरा करना चाहते हैं, मोटा तगड़ा करना चाहते हैं, तो आपको भी लेना है कौन सा मास गेनर जो भैया ने लिया है, इंडिया का नंबर 1 मास गेनर स्टारएक्स न्यूट्रिशन पावर मास गेनर। ये 6 किलो का बाल्टा ले लिया है, 8 से 10 किलो वजन बढ़ाएगा, जो वजन बढ़ेगा वो टिकेगा, जाएगा नहीं। मैं बार बार इस बात को रिपीट करता हूं कि जो वजन बढ़ेगा वो टिकेगा, नहीं जाएगा। पर हाँ डाइट आपको फॉलो करनी पड़ेगी। देखो ये ओरिजिनल मास गेनर्स हैं, ये रिजल्ट तो देते हैं, पर अगर आपने डाइट फॉलो नहीं करी तो रिजल्ट नहीं आएंगे। इनका खास बात पता है क्या है? खास बात इनकी है कि एक बार आप डाइट फॉलो अप करने में थोड़ी मेहनत लगाओ, मेहनत जिम में नहीं, डाइट को फॉलो करने में मेहनत है, और वो भी अच्छी खासी मेहनत है दुबले पतले के लिए, खासकर कि भैया 8 बजे ये खाना है, 11 बजे ये खाना है, 1 बजे ये खाना है, 2 बार दिन में मास गेनर लेना है, तो ये मेहनत है उसकी दुबले पतले की कि भैया खाने पर पूरा ध्यान देना है, अब तक ध्यान नहीं दिया पर अब देना है, और प्लस में मास गेनर लेना है। तो ये तो हो गई, मतलब जो है इसके साथ जो आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा,
और इसकी खास बात क्या है कि इससे आपका जो वजन बढ़ेगा, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई फिक्स आपका 10 किलो ही बढ़ेगा, ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने पावर मास गिनर 6 किलो के बाल्टा से 15 किलो वजन बढ़ाया है, और भैया ऐसे भी हैं जिन्होंने डाइट पे ध्यान नहीं दिया उनका 5 ही किलो बढ़ा है। तो इसलिए आप 15 किलो वजन बढ़ाओ, डाइट पे ध्यान दो, और उसके बाद में इससे जो वजन बढ़ेगा वो टिकेगा जाएगा नहीं, ये खास बात है इसकी। तो भाई हमेशा की मेहनत थोड़ी है, एक आधा बार की मेहनत है यार, और मास गिनर हमेशा की चीज भी नहीं होता। ऐसा नहीं कि मास गिनर ले जाओ प्रोटीन की तरह, ये तो कभी कभार की चीज है, वजन बढ़ जाए शरीर हरा भरा हो जाए टाटा बाय बाय छोड़ो इसको फिर। भाई हमें कोई इससे को मतलब जो है लगन थोड़ी करनी है मास गिनर से कि जिंदगी भर का साथ हो गया, नहीं, एक आधा बार टाटा बाय बाय। और साथ में अगर आपको भूख की भी समस्या रहती है, भूख कम लगती है या डाइजेशन आपका वीक है, तो गट पावर भी ऐड करो आप, जो कि भैया ने भी ऐड करी है। ये लेनी है एक टेबलेट रोजाना लंच करने के बाद पानी के साथ, इससे लीवर पावर बढ़ेगी, डाइजेशन स्ट्रांग होगा, भूख बढ़ेगी। और मास गेनर आपको दिन में 2 बार लेना है, कैसे लेना है साइड में वीडियो चल रही है, इस वीडियो को जाकर देखो। बाकी वैसे बता देता हूँ, 0.5 लीटर दूध में 1 स्कूप मास गेनर डालना है, साथ में 2 बनाना ड्राई फ्रूट थोड़े से, इस हिसाब से आप इसे लो दिन में 2 बार, भाई वजन भी बढ़ेगा और जो वजन बढ़ेगा वो टिकेगा। और पावर मास गेनर की लैब रिपोर्ट वीडियो जरूर देखो जाके, आपने ही डिमांड की थी कि भैया इसकी लैब रिपोर्ट वीडियो बनवाओ, पता तो लगे कि इसके अंदर प्रोटीन कितना है, कार्ब्स कितने, देखो लैब रिपोर्ट वीडियो आपको पता लगेगी पावर मास गेनर की। तो दोस्तों आप भी ऑर्डर करो पावर मास गेनर, इंडिया का नंबर 1 मास गेनर है, और ये मिलेगा ओरिजिनल आपको, समझ रहे हो, ये 1000-1200 रुपये की मास गेनर के चक्कर में पड़ना बंद करो। अगर आपका बजट है तो पावर मास गेनर की 3 किलो की पैकिंग ले लो, 3500 रुपये की 3 किलो की आएगी, 5600 की 6 किलो की है, पर 1000-1200 अगर आपके पास है, बजट नहीं है, तो भाई 1000-1200 का गन्ने का जूस पी लो, सत्तू पी लो, चने खा लो, वो बढ़िया है, मजा है आप जो है चूरन चटनी खाने के, या सस्ता कोई मास गिनर ऑनलाइन शॉनलाइन इधर उधर से मंगवाने के, फिर वो गाल फुलाएगा, पेट फुलाएगा, लीवर इन्फेक्शन करेगा, दिक्कत करेगा। ग्वालियर में एक भैया ने अपनी जान से भी हाथ धो बैठा है, जब मैं ग्वालियर आउटलेट पे गया था तो वहां पर मतलब जो है भैया उस टाइम ICU में थे, चूरन चटनी खाई थी, फिर उनका बाद में मैसेज आया, मुझे बहुत दुख हुआ इस बात से कि भाई ने जो अपनी जान से हाथ धो दिया है, अब वो वापस नहीं आएंगे। तो इसलिए खाने पीने की चीज़ों में कोताही मत बरतो, ओरिजिनल सप्लीमेंट्स लो सप्लीमेंट्स विला से, और ये मिले हैं भैया को ओरिजिनल GST बिल के साथ, यहाँ पर ये GST बिल और ये टी शर्ट शेकर सप्लीमेंट्स विला की तरफ से अजीत को गिफ्ट है, और ये फूफा जी के लिए भी एक टी शर्ट गिफ्ट है सप्लीमेंट्स विला, नहीं लीजिए प्लीज़, तो ये आपके लिए गिफ्ट है, आप जो इतना विश्वास करके आए हैं सप्लीमेंट्स विला पर। अब यहाँ देखें तो नो डाउट, अब भैया ने जो है देखो इतनी दूर से भी आए हैं, आने जाने में खर्चा किया है, प्लस में जो है वैसे ऑनलाइन मंगा सकते थे, ऑनलाइन कोरियर सर्विस अवेलेबल है, पर भैया कह रहे नहीं भैया आपसे मिलकर ही जो है लेना था हमें, तो मैंने भाई ये तो मेरा सौभाग्य है कि मेरा भाई मुझसे मिलना चाहता है, और यहाँ पर भैया देखे तो 800-1000 का टैक्स भी पे किया है। पूछना चाहूँगा क्या फ़र्क पड़ा, जहाँ सेहत का सवाल है क्या पैसा देखना चाहिए भैया? नहीं पैसा नहीं देखना चाहिए, पैसा नहीं देखना चाहिए, पैसा आती जाती चीज़ है, समझ रहे हैं आप, अगर सेहत चली गई तो दोस्तों उस सेहत को पाने के चक्कर में पैसा भी जाएगा, और वो सेहत वापस आए ना आए कुछ नहीं पता, तो इसलिए पैसा मत देखो आप। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि 1000-1200 का अगर आपका बजट है तो बेशक आप जो है गन्ने का जूस पी लो, सत्तू पी लो, वो बढ़िया है, चूरन चटनी मत खाओ, ये सस्ते गेनर्स के चक्कर में मत पड़ो, ऑर्डर करो पावर मास गेनर, आपका वजन भी बढ़ेगा, टिकेगा भी, और कोई नुकसान भी नहीं होगा, और इंडिया का नंबर 1 मास गेनर है ये, यूं ही नहीं बन गया है, 90% प्लस पॉजिटिव रिव्यूज हैं ये, 90% प्लस पॉजिटिव रिव्यूज क्या होता है पता है आपको? नहीं, मैं बताता हूँ, मतलब 100 लोग अगर इसे खा रहे हैं तो 90 को रिजल्ट आ रहा है। अब आप पूछेंगे भैया 10 को, भाई 10 को भी आ रहा है, या तो बहुत ज़्यादा आ रहा है या कम आ रहा है, और ज़्यादा वाला मैंने बता दिया, भैया डाइट पे और ज़्यादा फोकस करो आप तो भाई 15 किलो वजन बढ़ेगा, और भैया डाइट पे फोकस ना करोगे तो 4 किलो ही और 5 किलो ही बढ़ेगा, और वो भी बड़े बड़े ना बढ़े कोई गारंटी नहीं दे सकता मैं, अगर डाइट आपने ना ली, क्योंकि बहुत सारे भैया करें कि इसे ले लेते हैं, लंच छोड़ दिया, डिनर छोड़ दिया, अरे ले तो रहा हूँ मास गेनर, अरे मेरे भाई कैसी बात कर रहे हो यार, आपने एक मील हटा दी दूसरी मील जोड़ दी, फायदा क्या हुआ? ये आपको कैलरी सरप्लस पे तभी तो रखेगा जब आप डाइट जो ले रहे हो उसको लेते रहो, प्लस में इसे लो, तभी तो कैलरी सरप्लस पे जाओगे, तभी तो वजन बढ़ेगा, समझो इस चीज़ को। तो आप भी अगर ऑर्डर करना चाहते हैं पावर मास गेनर, तो ऑर्डर करने के 2 तरीके हैं, पहला तरीका है ऑनलाइन, भाई आप सप्लीमेंट्स वाला के आउटलेट विजिट नहीं करना चाहते तो ऑनलाइन कोरियर सर्विस ऑल ओवर इंडिया अवेलेबल है, आप ऑनलाइन मंगवाइए, कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन के ऊपर है, कॉल करके डायरेक्ट अपना ऑर्डर बुक कराओ, आप जो है कॉल पे ही अपना जो है नाम पता एड्रेस पिन कोड सारी चीज़ें बुक करा दो, कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल है, चाहे आप पटना रहते हो चाहे आप कहीं रहते हो, आपके घर तक पहुंचेगा, और पैसे आप तभी दो जब आपके घर तक पहुंच जाए, कोई दिक्कत नहीं कोई परेशानी नहीं आपको। या सप्लीमेंट्सविला.com विजिट करो, वहां पर डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड सारी फैसिलिटीज मिलेंगी,
तो ये तो हो गया ऑनलाइन का तरीका कि भैया मैं नहीं जाना चाहता, मेरे घर भिजवा दो तो घर आ जाएगा आपके, अलग से कोई शिपिंग चार्जेस भी नहीं है। या फिर आप चाहते हो कि भैया नहीं मैं सप्लीमेंट्स मिला के आउटलेट ही विजिट करूंगा, तो भाई सप्लीमेंट्स मिला के इतने सारे आउटलेट है जो आपके नज़दीकी वहाँ विजिट करो। मैं चलो भैया तो मिलने के लिए स्पेशल आ गए पलवल आउटलेट, आज मैं पलवल ही हूँ, तो आप पलवल सप्लीमेंट्स वाला आउटलेट आ सकते हो, आप जा सकते हो सप्लीमेंट्स वाला गुरुग्राम आउटलेट, आप जा सकते हो सप्लीमेंट्स वाला दिल्ली कालका जी, सप्लीमेंट्स वाला दिल्ली रोहिणी, सप्लीमेंट्स वाला गाजियाबाद, सप्लीमेंट्स वाला मेरठ, सप्लीमेंट्स वाला सहारनपुर, सप्लीमेंट्स वाला लुधियाना, सप्लीमेंट्स वाला अलीगढ़, सप्लीमेंट्स वाला मथुरा, सप्लीमेंट्स वाला आगरा, सप्लीमेंट्स वाला कानपुर, सप्लीमेंट्स वाला लखनऊ, सप्लीमेंट्स वाला ग्वालियर, सप्लीमेंट्स वाला जयपुर, तो यहाँ तो आउटलेट्स ओपन हो गए हैं। और 21 अप्रैल की ओपनिंग है, कहाँ की है जी अजीत, पता है आपको 21 अप्रैल की? भैया को पता है, फूफा जी आपको पता है जी? बरेली, बरेली उत्तर प्रदेश में ओपनिंग है 21 अप्रैल रविवार की, तो आ जाओ बरेली वालों, वेलकम करूंगा भाइयों का गिफ्टों के साथ, मालाओं के साथ पूरा इंतजाम करूंगा, भाइयों को खाने पीने से लेकर सारी सुविधाएं, ताकि भाइयों को लगे हाँ भाई ये फैमिली फंक्शन है, और है आपका फैमिली फंक्शन, ओपनिंग है बरेली वालों, आपको जरूर आना है। अजीत तुम आओगे? मैं नहीं आ पाऊंगा। चलो देखो कितने सच्चाई है, फूफा जी आप आओगे? नहीं आ पाऊंगा। चलो यार देखो वो मना कर रहे हैं क्योंकि भाई पटना से बरेली आना बहुत बड़ी बात है, पर भैया पटना तो पक्का है? पटना आऊंगा फूफा जी, पटना, पटना आ जाएंगे, पटना आ जाएंगे, चलो पटना का तो वादा हो गया, पर बरेली वालों आप मत चूक जाना। और बहुत सारे भैया तो बरेली से आते भी हैं, जब लास्ट टाइम सहारनपुर आउटलेट ओपनिंग हुई थी तो बरेली से बहुत सारे भाई आए थे, तो भाई अब तो आपके शहर में आउटलेट ओपन होने जा रहा है, अब तो आना ही आना है आपको, उसके बाद पटना में ओपन होगा, तो जोड़ो सप्लीमेंट सलाह से, अगली बार मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते। मैसेज डाल देंगे ताकि मुझे तसल्ली हो जाए, दोस्तों आप भी जोड़ो सप्लीमेंट सलाह से, थैंक यू।